शिवपुरी जिले में यातायात पुलिस और नगरपालिका अमले द्वारा शहर के कोर्ट रोड प्रगति बाजार सराफा में चालानी कार्यवाही की गई। वही गांधी चौक पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है। उन पटवाओं के खिलाफ भी कार्यवाही की गई, जिन दुकानदारों ने अपना सामान दुकान से बाहर निकाल कर रखा था, उन पर भी कार्यवाही की गई। लगभग 8 लोगों पर यह चालानी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जे अपना कोर्ट रोड, प्रगति बाजार, सराफा, इन तीनों सड़कों पर और गांधी चौक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांधी चौक में पटवाओं द्वारा पूरा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे आम जनता को समस्या आ रही। जाम की स्थिति दोपहर से लेकर शाम तक जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। कोर्ट रोड पर भी ठेले वालों पर भी कार्रवाई की गई है, जब्ती भी की गई है। जो दुकानदारों द्वारा जो अपने काउंटर्स आगे रख लिए हैं, कुछ सामान भी सड़क पर रख लिए, उनके खिलाफ़ भी चालानी कार्रवाई की गई है। प्रगति बाजार में भी की गई है, सराफे में की गई है। निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि आम जनता को समस्या आती है और निकलने में परेशानी है, जाम की स्थिति में, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत आने लगती है। हम इस पर निरंतर कार्रवाई करेंगे। आज जो कार्रवाई की है, कार्रवाई निरंतर रहेगी। अगर लोग नहीं मानते, उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक 8 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है अभी, और अतिक्रमण जितना भी आप देख रहे हैं, ये जब्ती करके नगर पालिका ने जब्ती की है और सामान नगर पालिका में रख देंगे। जैसे कि आप देखेंगे, अगर जाम की स्थिति फिर भी निर्मित होती तो कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। शहर को व्यवस्थित सुव्यवस्थित बनाने का हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।